बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे, आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैंने अपना जो है Facebook का जो पासवर्ड है मैं भूल गया था और यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहा था मैं, और यहाँ पर मुझे जो है कोड जो है रिसीव नहीं हो रहा था। मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं फिर से सेंड SMS अगेन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मुझे जो कोड है वो नहीं आ रहा है मेरे पास। तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये 6-डिजिट कोड जो है अगर आपके मोबाइल में रिसीव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, आज की वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 ट्रिक बताने वाला हूँ जिनको आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो ये कोड है आपको रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर मैं 101% तो नहीं बोल सकता, बट यहाँ पर जो है 70 से 80% चांस है कि आपका जो है उस मेथड के थ्रू जो है आपका काम बन जाए। तो आप जो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको चले जाना है अपनी सेटिंग पर। सेटिंग पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको एप्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपका मोबाइल अदर कंपनी का है तो वहां पर जो है अदर ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पर मैनेज एप्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपकी जितनी भी एप्स होंगी मोबाइल की यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी आपके सामने। जैसा कि आप देख पाएंगे जितनी भी एप्स हैं यहाँ पर इंस्टॉल, यहाँ पर सभी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको सर्च करनी है अपनी फेसबुक। यहाँ पर हम फेसबुक को सर्च कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे मैंने फेसबुक सर्च कर ली है और यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको नीचे क्लियर डाटा का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर ऑल डाटा, यहाँ पर आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप इसको क्लियर डाटा कर दिया है। अब यहाँ पर आपको जो है परमिशन पर क्लिक करना है। परमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी परमिशन यहाँ पर दी गई है सभी को अलाउ कर देना है। आप चाहे तो मेन परमिशन को कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज हो गया और टेलीफोन हो गया और कॉन्टैक्ट वगैरह हो गए, तो आप जो है अभी के लिए इन सभी को जो है ऑन रखिए और यहाँ पर बैक चले जाना है आपको। इतना करने के बाद आपको जो है फिर से यहाँ पर सर्च करना है मैसेज। यहाँ पर मैसेज हम सर्च करते हैं, यहाँ पर आपका जो मैसेज एप्लीकेशन है यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो ऐप परमिशन है यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर आपको देख पाएंगे मेरा SMS की परमिशन है यहाँ पर बंद है। अगर आपकी बंद हो तो आप ऑन कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसको सेम एज इट इज रहने दीजिए, अनेबल आपको कर देनी है। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार अपना फोन जो है रिसेट कर देना है। यहाँ पर रिसेट कैसे करते हैं, आपको जो है पावर बटन को दबा के रखना है और यहाँ पर जो है रिबूट का या फिर रिसेट का आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप कर सकते हैं। इतना कर देना आपको। अगर इन मेथड के थ्रू आपका जो काम नहीं बनता है और आपने जो अपना मेल आईडी दी हुई है वहां पर मेल आईडी के थ्रू भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके नंबर पर जो है आपका जो मैसेज कोड रिसीव नहीं होता है तो आपको मेल आईडी पे कैसे रिसीव होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको जो अपनी मेल आईडी ओपन कर लेनी है जीमेल। यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो है 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपकी जो मेल आती है वो ऑल इनबॉक्स में आपको देखने को मिल जाती है, बट कई बार क्या होता है कि आप रिसीव नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको स्पैम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर स्पैम में कई बार मिल जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके अगर आपका जो मेल वो कोड है तो स्पैम मेल में नहीं आया हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बस इतना काम आपको कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपनी फेसबुक ओपन कर लेनी है। सो गाइस, इतना काम करने के बाद अगर यहाँ पर जो है फिर से जो है सेंड SMS पर क्लिक करोगे तो आपका कोड जो है यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, 5-10 मिनट लग जाए या फिर 15 मिनट भी लग सकते हैं, बट आपका काम कुछ हद तक इन स्ट्रिक के थ्रू जो है बन जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपका कोड आ जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।